हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर आपके सामने मैं क्या लेकर आया हूँ पता है ना? पता है मेरा नाम? पता है ना? पता है, पता है। तो अब जान ही गए तो क्या बोलना है। आज देखिए ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना? मजा लेते रहिए। ठीक है, अब इस मजे में क्या सोचना है हम लोग, क्या सोचना है? ये जिंदगी हंसी है ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, केमिस्ट्री से प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। आई बात समझ में ना? तो देखिए ना, स्टोइकोमेट्रिक एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बड़ा प्यारा टॉपिक है। स्टोइकियन एलिमेंट नेट, ये मेट्रॉन मीन्स मेजर, मेजरमेंट, ये बैलेंसिंग इक्वेशन, जो बैलेंसिंग डिजिट है ना, इसी को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। आया ना मजा? मजा आया कि नहीं आया? आएगा, बहुत मजा आएगा। तो ये हुआ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए ना, इतना बड़ा डिफिनेशन याद होगा, आप केवल याद रखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट? याद होगा? नहीं याद होगा? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। ए मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए ना ध्यान से। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो, हम शुरू किए तो आप क्यों जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मत जाओ यार। ठीक है, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, लेकिन आप तो जाओ मेरे साथ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। तो ये है केमिकल इक्वेशन व्हेन रिटन इन द बैलेंस फ्रॉम गिव्स ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है मासेस, वो मोल्स, वॉल्यूम्स, मॉलिक्यूल्स, ये बिटवीन द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मास, मास के अकॉर्डिंग बैलेंस हो, मोल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस हो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बैलेंस हो, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस हो, उसी को हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, मिल गई, मिल गई, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हुई हमारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का डिफिनेशन। कैलकुलेशन आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप इन दिस प्रॉब्लम। इसमें द मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड दैट ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें मास मास रिलेशनशिप क्या है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में मास वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन दैट ऑफ द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। इन्वॉल्विंग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को ना तीन भागों में बांट दिया गया है। किसमें? तीन भागों में बांट दिया गया है। तो इसे मजे लीजिए और मजे से याद कोशिश कीजिए। आई बात समझ में? हाँ आ गई ना? हाँ आ गई। मैं जानता हूं कि जीत की खातिर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे नीट में जीत हो या जेई में जीत हो। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ए ए आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, मजे से आ रहा है। अरे बहुत मजा ले रहे हैं। देखिए ना, स्टोइकोमेट्रिक आपके सामने, मैंने बोला ना कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड स्टोइकोमेट्री।
मैंने बोला ना द मेजर ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसे वो क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। अब इसे क्वेश्चन कीजिए ना, लीजिए ना मजा क्वेश्चन का, ले रहे हैं ना मजा, ले रहे हैं ना मजा, लीजिए मजा अपने क्वेश्चन का, आ रहा है ना मजा, लीजिए। तो व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट है इसका निकाल लीजिए, मोलर मास निकालिए, मोलर मास निकालिए, निकल रहा है 123.5 आ जाएगा, ठीक है ना। जो हो गया जो हो गया, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अरे ध्यान से देखिए ना, खूब समझ में आएगा, मजा लीजिए, मजे से समझिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मजे के साथ लीजिए। 123.5 ग्राम, 123.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स कॉपर ऑक्साइड है 79.5 ग्राम। इतना में इतना है तो 1 ग्राम में कितना, इसलिए 12.35 ग्राम में कितना, तो ये इतना 7.95 ग्राम, 7.95 ग्राम। तो ये है मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 ऑन ए कम्बसन, बस मीथेन कम्बसन करता है तो CO2 बनता है H2O, तो 22 ग्राम। देखो इसका 16 ग्राम निकाल लिया, इसका 44 ग्राम निकाल लिया, 1 मोल होता है 1 मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो इसका हम मोल लेंगे, यानी 44 ग्राम में 1 मोल, तो 22 ग्राम में कितना मोल, 44 ग्राम CO2 में 1 मोल, तो 22 ग्राम में कितना मोल, 1/2 निकाल जाएगा आंसर, 0.5 आ जाएगा। आ गया ना, आ गया, आ गया ना, आ रह गया, आ गया ना, आ गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, ए थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, वक्त लगता है, ठीक है। तो सब्र करो और आहा लाए लाए, आहा प्यार से, आहा आहा, इस क्वेश्चन को करो, समझ में आएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन का ये रिएक्शन बनाइए, CO2 और H2O कीजिए। देखिए ना इसका मोलर मास निकालिए, 16 ग्राम आ रहा है, वाटर का मोलर मास निकालिए, 36 ग्राम आ रहा है। यही पूछ रहा है 16 ग्राम मीथेन में कितना वाटर, तो 36 ग्राम निकल गया, हो गया आंसर। चलिए जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मजे से बने रहें। ओके, बाय बाय बाय।